हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग इसमें जो एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आप ही लोगों ने मुझे मेल करे हैं एंड कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाले थे, तो उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। एक चीज़ और, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एसबीआई क्लर्क की जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई थी उसको पूरा बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मैथ्स में जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी उन सारी ही वर्ड प्रॉब्लम्स को मैंने वहाँ पे बताया था। तो आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है आरआरबी, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि फ्लो कैसा चल रहा है पेपर का ये आपको पता होना चाहिए, एक पैटर्न कैसा चल रहा है इसकी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है जो भी 23rd वाले हैं जिनका पेपर 23 को है, तो वो लोग भी मुझे करेंट अफेयर्स फंडा @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहीं पे कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन को डाल सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भेजा था प्रसाद ने। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बॉक्स बेस्ड यहाँ पे पजल था और क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं आए थे। जैसे कि मैंने आपको बोला बोला था, अभी जो मैंने थर्ड शिफ्ट वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन कैसे आए थे। बहुत ही रीजनिंग तो बहुत ही ईजी आई थी। अगर आपने मेरी पिछले 3 महीने की भी वीडियोज़ को फॉलो करा है तो आप लोगों ने आराम से 35 में से करीबन 32 तो अटेम्प्ट करे ही होंगे। ठीक, इससे कम तो मैं मान ही नहीं सकती। ठीक है, 32 तो करीब कर कर आए होंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। देखो यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर 7 बॉक्स ABCDEFG। ओके, 7 बॉक्स हैं, उनके नेम गिवन है। अच्छा, ये पर्सन आप हटा दीजिएगा, एक्चुअली ये आप ही लोगों ने मुझे भेजा है। ठीक, तो आप ज़्यादा लैंग्वेज पर मत जाइएगा। देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स सी। तो ए और सी के बीच में 4 बॉक्स आएंगे। फिर गिवन है यहाँ पे A4C। ठीक, देन बॉक्स एफ इज वन ऑफ द एवर पोजिशन बॉक्स जी बट वन ऑफ द बिलो पोजिशन बॉक्स ए। तो एफ जो है वो जी से तो ऊपर आएगा, लेकिन ए से कैसे आएगा, नीचे आएगा। ठीक, देन 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स बी। तो सी एंड बी के बीच में आपके 2 बॉक्स आएंगे। ओके, राइट का टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि पोजिशन नहीं पता है ना। उसके बाद आगे कह रहे हैं 1 बॉक्स बिटवीन बॉक्स ई बी एंड ई। तो बी और ई के बीच में आपका 1 बॉक्स का गैप आएगा। देन डी इज इमीजिएटली अबव बॉक्स बी। तो डी की ये डी जो है वो बी के इमीजिएटली अबव आएगा। देन जी इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ बी। तो जी जो है वो बी का इमीजिएट नेबर नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था तो मैं इसे यहाँ पर बनाती हूँ। आई थिंक ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसने भेजा है मुझे, क्योंकि मेरी शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन नहीं था। ओके, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे A4C, क्योंकि ये गैप ज़्यादा है। तो अगर आपका A टॉप पर आता है तो 1 2 3 4 का गैप करके C यहाँ पर, और A अगर यहाँ आता है तो C यहाँ पर। ठीक, इसको आप पलट देंगे तो आपका जो C है वो यहाँ पर, और 4 का गैप करके A यहाँ पर, और C यहाँ पर, 4 का गैप करके A यहाँ पर। ठीक, इसको आप हटा देंगे। C और B के बीच में 2 का गैप है, सो 1 एंड 2 का गैप B यहाँ पर, 1 एंड 2 का गैप B यहाँ पर, 1 और 2 का गैप B यहाँ पर, 1 एंड 2 का गैप B यहाँ पर। ठीक, उसके बाद B और E में 1 का गैप आएगा, सो इसके अकॉर्डिंग आपका E यहाँ पे। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपका E यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग E यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग E यहाँ पर। ओके, देन B के इमीजिएटली अबव D आएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। ओके, देन फिर ये कहा गया है AFG, मतलब A आएगा उसके नीचे F आएगा और फिर G आएगा। तो F यहाँ पर और G यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो नहीं आ सकता, बिकॉज A के ऊपर हमें F को, हमें यहाँ पे F को लेकर जाना पड़ेगा जो कि हम नहीं ले जा सकते, तो इसलिए ये कट हो जाएगा। इस कंडीशन में भी आपका F और G में से कुछ एक ऊपर लिखना पड़ेगा, इसलिए ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। लास्ट में गिवन था कि G और B साथ में नहीं बैठेंगे, तो G और B जो है वो साथ में यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं। B जो है 5th पोजिशन पे है, G जो है वो 1st पोजिशन पे है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा था प्रसाद ने, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर ठीक यही आया था या फिर नहीं। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे ही आया था, पेपर जो था वो काफी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये भी बॉक्स बेस्ड पजल था, इसमें 6 बॉक्सेस थे। एक्चुअली उन्होंने लिखा तो 6 है लेकिन दिए बॉक्स 7 है। चलो बनाकर देखते हैं। गिवन है PQRSTUNV आर प्लेस्ड अबव वन अनदर सच दैट टी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव
यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, टी इज प्लेस्ड इमिजिएटली है, अब टी नहीं आएगा या कुछ और आएगा। चलो इसको रुकते हैं और देखते हैं आगे। देयर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन टी और वी, तो टी और वी के बीच में तीन बॉक्सेस हैं। देन पी इज इमिजिएटली बिलो टी, तो पी जो है वो इमिजिएटली बिलो है किसके, टी के। ओके, देन आर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो पी, तो आर जो है वो पी के तुरंत नीचे है। ठीक, उसके अलावा एस इज प्लेस्ड आर बट नॉट बिलो यू, एस जो है वो आर के नीचे है। देखो ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये है ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी यहां करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी पीछे करते हैं। इन्होंने कुछ चीजें मिस कर दी हैं क्योंकि मुझे लगभग लग रहा है आई थिंक ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था क्योंकि ये वाली कंडीशन से मुझे याद आ रहा है। तो ये कंडीशन में एक लड़की ने पीछे बताया है, उनका क्वेश्चन को हम देखेंगे। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तनु आनंद का क्वेश्चन है, डी इज सिस्टर ऑफ जे, तो डी जो है वो सिस्टर है जे की। जे इज फादर ऑफ यू, तो जे जो है वो फादर है किसके, यू के। ठीक, देन यू इज ग्रैंड सन ऑफ टी, तो यू जो है वो क्या है, ग्रैंड सन है किसका, टी का। ओके, देन एम इज वाइफ ऑफ टी, तो एम जो है वो वाइफ है किसकी, टी की, सॉरी। ओके, देन के इज ओनली चाइल्ड ऑफ एम, तो के जो है वो ओनली चाइल्ड है किसका, एम का। देन पी इज फादर इन लॉ ऑफ के, तो पी जो है वो फादर इन लॉ है के। तो अच्छा देखो इसका ये कैसे आया होगा बन के, जैसे कि ये ऐसा बना होगा, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ये ऐसे होगी। डी इज सिस्टर ऑफ जे, डी जो है वो सिस्टर है जे की। जे इज फादर ऑफ यू, तो जे जो है वो कौन है, फादर है यू के। ठीक है, उसके बाद यू इज ग्रैंड सन ऑफ टी, यू जो है वो ग्रैंड सन है टी का। तो यहाँ पे जे की जो वाइफ होगी उसके फादर जो है वो कौन होंगे, यहाँ पे टी होंगे। ठीक, इस तरीके का ये क्वेश्चन आया होगा। देन गिविन है के इज ओनली चाइल्ड ऑफ एम, तो के जो है वो ओनली चाइल्ड है किसका, एम का। ठीक, और यहाँ पे गिविन था एम इज वाइफ ऑफ टी, तो हम यहाँ पे एम इज वाइफ ऑफ टी दिखा देंगे, के को हम यहाँ दिखा देंगे, तभी इसका ओनली चाइल्ड हो गया, प्लस यू जो है वो टी का क्या हो गया, ग्रैंड सन भी हो गया। आगे फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पी इज फादर इन लॉ ऑफ के, तो पी जो है फादर इन लॉ है के, यानी कि जे के जो फादर है वो कौन होंगे, यहाँ पे पी थे। ठीक, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बनकर आया होगा। ओके, अब ये कंडीशन सारी कंप्लीट हो रही है, तो आप बताइएगा तनु आपका यही आंसर आया था या नहीं। अगर ये नहीं आया था तो फिर आपने कोई लाइन मिस करी है, और अगर आपने लाइन कोई मिस नहीं करी है तो फिर आंसर आपका यही होगा। ओके, 101% यही होगा, क्योंकि यहीं पे आप देखो सारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है। डी जो है वो सिस्टर भी हो रही है जे की, जे जो है वो फादर भी है यू के, यू जो है वो ग्रैंड सन भी है किसका, टी का। ठीक, क्योंकि मैटरनल एंड पैटरनल दोनों ही ग्रैंड सन होते हैं। फिर एम इज वाइफ ऑफ टी, एम जो है वाइफ है यहाँ पे टी की, के जो है वो ओनली चाइल्ड है एम का, सो के यहाँ पे ओनली चाइल्ड दिखा दिया एम का। एंड फिर गिवन है पी इज फादर इन लॉ ऑफ के, तो पी जो है वो फादर इन लॉ हो गया के का। ठीक, इस कंडीशन में हम क्यों नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है के जो है वो ओनली चाइल्ड है एम का, तो अगर के हम ओनली चाइल्ड दिखाते तो फिर यहाँ पे जो जे है वो भी इसका चाइल्ड हो जाता, तो फिर ओनली चाइल्ड कैसे हो पाता के, इसलिए ये कंडीशन कंप्लीट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, इसमें हमारा आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में भी आया था। देखो यहाँ पे कह रहे हैं 6 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ ऑफ डिफरेंट वेट। ये पजल बहुत ही इजी होते हैं, फटाफट नंबर डालो ऊपर नीचे करके फिक्स करते जाओ, बहुत सही लगते हैं मुझे। ना लेफ्ट का इसमें चक्कर होता है, ना राइट का चक्कर होता है, ना वैकेंड का होता है, फटाफट फटाफट बनाते जाओ, है ना। देखो डी इज हैवियर देन ई ए, आई थिंक दोनों से हैवियर होगा ये, तो डी जो है वो ई और ए दोनों से हैवियर है। देन बी इज हैवियर देन डी, तो बी जो है वो डी से हैवियर है बट नॉट हैवेस्ट, लेकिन ये क्या हैवेस्ट नहीं है, यानी कि 6 पे नहीं आएगा। ए इज नॉट सेकेंड लाइटेस्ट, यानी कि ए जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर ए यहाँ पे नहीं आएगा तो देखो अगर बी यहाँ पर आता है और डी जो है वो यहाँ पर आ सकता है, इसके अलावा बी जो है वो यहाँ आ सकता है, डी यहाँ पर आ सकता है, तो आपका जो ई है वो यहाँ पर और ए जो है वो यहाँ पर आ सकता है। और अगर बी और डी यहाँ पर आता है तो बी यहाँ पर डी यहाँ पर, इस तरीके के अलावा आपका जो ई है वो यहाँ पर ए यहाँ पर आ सकता है, या फिर आपका जो ए है वो यहाँ पर और ई जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बनेंगी। 101% कोई एक लाइन जो है वो आपसे मिस हो गई है यहाँ पे,
क्योंकि आपका इसके अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका सबसे हैवीस्ट पर्सन है वो भी नहीं निकल के आएगा, ठीक इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसमें भी पॉसिबिलिटी आएगी। तो एक लाइन जो है वो कोई आपसे मिस हुई है यहाँ पे, तो आप चेक करिएगा ऐसी कौन सी लाइन थी जो आपने मिस कर दी है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद से ऐड करना नहीं चाह रही हूँ, खुद यहाँ पे जो एग्जैक्टली पेपर में आया था मैं उन्हीं सारी चीज़ों को आपके सामने रख रही हूँ, खुद से मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा आया था। कोई भी एक लाइन जो है वो ऐड हुई होगी जिससे एक आपकी दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कट जाएंगी, एक में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। और फिर ये भी गिवन था कि आपका जो हैवीएस्ट है वो 97 kg का है, तो ये 97 kg होगा। थर्ड हैवीएस्ट जो है वो 62 kg का है, सो 1, 2, 3 यहाँ पे आपका जो 62 kg है वो यहाँ पर आएगा, ठीक। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बने होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपका सी जो है वो हैवेस्ट नहीं है, लेकिन ई से आपका लाइटर है, ठीक है, ई से वो जो है उसका वजन कम है, तो इस टाइप का भी कोई पॉसिबिलिटी बनी होगी जिससे आपका ये पॉसिबिलिटी कटेगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देयर आर एन सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये आपका अननोन पर्सन वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत इजी पैटर्न था। अननोन के तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं, मैंने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं जिसमें काफी प्रॉब्लम आती है, काफी ट्रिकी लेवल मैंने कराया है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू पीपल सिट बिटवीन ए और बी, दो पर्सन जो हैं वो ए और बी के बीच में बैठे हैं। सो दो पर्सन आपका ए और बी के बीच में बैठे हैं, तो ए 1 और 2 का गैप करोगे तो कितना आ जाएगा, बी, ठीक। देन डी सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो डी जो है वो 6 टू द लेफ्ट है बी के, एंड 8 फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। डी जो है वो 6 है बी के लेफ्ट से और 8 है आपका एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से, तो हम डी को पहले लेफ्ट एंड पे फिक्स कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। देन ये 6 है टू द लेफ्ट ऑफ बी, 6 नंबर पे आएगा बी की लेफ्ट में, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, राइट। देन आगे कह रहे हैं सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है 4 टू द लेफ्ट है डी के, सो 1, 2, 3, 4, सी आ जाएगा यहाँ पे, 6, 7, 8, ओके। फिर यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 5 पीपल सिटिंग बिटवीन सी और ई, तो 5 पर्सन सी और ई के बीच में बैठा लोगे तो 4 और 5, ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। देन एफ सिट्स टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ई, एफ जो है वो इमीजिएट लेफ्ट है ई के। देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड जी, तो एफ और यहाँ पे डी के बीच में जितने पर्सन आएंगे उतना ही आपका ई और जी के बीच में आएंगे, तो एफ एंड डी के बीच में आपका एक का भी गैप नहीं है, यानी कि ई और जी के बीच में भी एक का गैप नहीं आएगा और दोनों इमीजिएट नेबर होंगे। देन एच सिट 7 टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ जी, एच जो है वो 7 है टू द राइट ऑफ जी, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और ये थर्ड है किसी एक्सट्रीम एंड से, तो आपका देखो लेफ्ट एंड से तो ये हो नहीं सकता, ऑब्वियसली राइट एंड से होगा, तो यानी कि 2 सीट इसके साइड में हम और दे देंगे। तो टोटल आपकी सीट कितनी बनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 20 सीट्स होंगी अगर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आपका दिया गया है तो। ये आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में आया है। अच्छा उस क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे, इन्होंने क्वेश्चन ठीक दिया है। ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 बॉक्स थी थर्ड शिफ्ट में, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन वी और टी, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इतनी सी जगह में ही बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा पजल नहीं था ये। वी और टी के बीच में आपका 3 बॉक्सेस आएंगे, देन 1 बॉक्स आएगा पी और वी के बीच में, R इज इमीजिएटली अबव P, R जो है वो P के इमीजिएटली अबव आएगा, Q इमीजिएटली अबव T, Q जो है वो इमीजिएटली अबव है T के, R अबव S, R जो है वो S से अबव है, U बिलो S, ठीक है, R जो है वो अबव है S से और U बिलो S, U जो है वो बिलो है S से। ये लाइन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दी है, इतनी थोड़ी सी सही लाइन दी थी वहां पे, सही लाइन मतलब थोड़ी सी लंबी सी लाइन थी ये, और यहाँ पे इन्होंने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेमोरी बेस तो खैर ऐसा ही आता है। अब इसको अगर आप फिक्स करोगे तो बहुत ही आसानी से फिक्स कर सकते हो, वी एंड टी से उठाओगे, ध्यान रखोगे कि टी के
तुरंत ऊपर क्या आएगा, क्यू आएगा। तो अगर टी को अगर आप यहाँ रखते हो 6 नंबर पे, तो क्यू यहाँ पे 1 2 3 का गैप करके वी यहाँ पर आ जाएगा। एक कंडीशन और हो सकती है जिसमें आपका क्यू यहाँ पे, टी यहाँ पे और 3 का गैप करके वी आपका यहाँ आ जाए, ठीक। फिर इसके अलावा अगर आप वी को ऊपर करते हो, तो आप यहाँ पे वी को लिख सकते हो, ठीक है। वी को यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 का गैप करके टी यहाँ पे, टी यहाँ पे और टी यहाँ पे, ठीक। इसको आप हटा दोगे, इसको हटा दोगे। पी और वी के बीच में आपका एक का गैप है, सो पी यहाँ पर, इस कंडीशन में पी यहाँ पे, इस कंडीशन में पी यहाँ पे और इस कंडीशन में पी यहाँ पे, और इस कंडीशन में आपका पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ओके। देन पी के इमीजिएटली अब आर आएगा, तो यानी कि पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ पर, आर यहाँ पर, ठीक। उसके अलावा फिर आर के नीचे एस आएगा, फिर एस के नीचे यू आएगा, सो एस और यू यहाँ पे दे दोगे। इस कंडीशन में आप नहीं दे सकते, इस कंडीशन में आप देखोगे तो कुछ मिस हो गया है। क्या मिस हुआ है इसमें? हाँ, यहाँ पर क्यू आएगा, ये मिस हुआ है। अच्छा, टी आएगा, तो ये टी आ गया है। पी और वी के बीच में एक का गैप है, पी और आर, वी एन 3 1 2 3। अच्छा, आर के नीचे एस आएगा, फिर यू आएगा, ओके। इसमें आप देखोगे तो इसके ऊपर क्यू आ गया, इसमें तो आप एस और यू नीचे दे नहीं सकते, इसमें भी आप एस और यू नीचे दे नहीं सकते। अच्छा, ये दो कंडीशन यहाँ पे बन के आ रही है, दो पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी भी आई थिंक किसी पॉइंट से कट रही थी, क्योंकि ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो कोई एक कंडीशन ऐसी होगी जिससे ये पॉसिबिलिटी कट रही थी, ओके। सो आर एंड पी, ये तो आपका सही है। पी और वी में एक का गैप है, सो पी और वी में जो एक का गैप है ये भी ठीक है। वी और टी में 3 का गैप है, ये भी ठीक है। क्यू और क्यू क्यू जो है वो टी के इमीडिएटली अबव है, तो ये भी ठीक है। आर एस यू, ये पॉइंट भी था, तो ये भी ठीक है। तो हो सकता है कोई एक पॉसिबिलिटी हो जिसकी वजह से ये कट रही हो। आई थिंक ये वाली जो कंडीशन थी ये कट रही थी, और क्यू जो है वो सबसे टॉप पर था, मुझे जहां तक ध्यान है, ओके। तो कोई एक कंडीशन दोनों में से कट रही थी किसी एक पॉइंट से, ओके। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन ये बिल्कुल सही हैं, इन्होंने जो बोले हैं, सिंग स्टडी पॉइंट इनका जो भी नाम है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कल बताना भूल गई थी, जो मैंने मैथ वाला बताया था कि कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम आए थे, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया था, 101% आया था, और क्योंकि इसको मैंने अटेम्प्ट करा था। और हाँ, जो मैंने लॉस और प्रॉफिट वाला क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन ये वाला था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है, इनको आप अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करके बताइए इन दोनों का कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।